हेलो जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर अपने भाभी के यहाँ संकटा माता की पूजा में आई हूँ। तो ये पूजा कैसे होती है और क्यों की जाती है, ये सब आपको बताऊँगी और कैसे की जाती है। तो फ्रेंड्स, जब कोई अपनी मन्नत मांगे कोई भी, या किसी पर कोई संकट आ जाए, तो माता रानी को मना के ये मन्नत बोल दी जाती है कि मेरा ये संकट कट जाए या मेरी मन्नत पूरी हो जाए, तो मैं आपके निमित्त 7, 9, 11 सुहागिन महिलाओं को भोजन कराऊंगी। जैसे कोई भोजन कराए या कोई मिठाई खिलाए, वो सब होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें मिट्टी की संकटा माता बनाई जाती हैं। ये देखो फ्रेंड्स, ये बना के रखी हुई हैं। और फिर इनको सर्वप्रथम श्रृंगार किया जाता है। तो माता रानी को, ये मेरी भाभी हैं, तो उन्होंने उनको ये श्रृंगार कर रही हैं, सिंदूर लगा रही हैं। और वो श्रृंगार करने के बाद माता रानी को पूरा, फिर जो भी महिलाएं होती हैं वो सब अपना श्रृंगार करती हैं, जैसे सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी, जो भी बनता है वो सब अपने करती हैं श्रृंगार। ये देखो सारी महिलाएं श्रृंगार कर रही हैं। और श्रृंगार करने के बाद फिर माता रानी की एक कथा होती है, वो कथा पढ़ी जाती है। तो ये कथा पढ़ने के लिए कथा पढ़ी है, देखिए हवन हुआ है, ये मैंने ही कथा पढ़ी है। ये सब महिलाओं ने कथा पढ़ के, और वहाँ ये जो उनको भोग दिया गया है वो माता रानी को अर्पण कर रही हैं। उसके बाद जो खाने में मिष्ठान दिया जाता है, वो उसमें से छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ के जिसने संकटा माता की मन्नत की हुई है उसको दिया जाता है। तो वो उसको सबसे पहले बिना दांत लगाए पानी के साथ निगलती हैं, और फिर ये व्रत